नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। गारो थाना क्षेत्र के कोटाम गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ग्राम कोटाम के सेमर रिटार्ड के मैदान में 3 दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया। ग्राम कोटा में बैठक की गई। इसके बाद सभी खेल प्रेमी युवक ने निर्णय लिया कि 3 दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाए। बैठक में फुटबॉल मैच को चलाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी का अध्यक्ष श्री मगन उराव, पूर्व प्रमुख गारू प्रखंड भारतीय जनता पार्टी के युवा जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और सचिव श्री सुधराम उराव, मुखिया ग्राम पंचायत कोटाम, कोषाध्यक्ष श्री राजेश्वर उराव, महामंत्री श्री नरेश लोहरा, मंच संचालक श्री राम प्रवेश सिंह और अन्य सभी सदस्य, सभी खिलाड़ी युवक और खेल प्रेमी युवक आज दिनांक 6 सितंबर 2021 को खेल प्रारंभ पूर्व प्रमुख गारू प्रखंड के श्री मंगल उराव फीता काटकर मैच उद्घाटन किया। उद्घाटन में नसीम मियां, शिक्षक राजेश कुमार सिंह, शिक्षक राजेश्वर उराव, सुधराम उराव, गवरी चरण सिंह और अन्य लोग उपस्थित रहे। इसके बाद उद्घाटन मैच पावर हाउस गारू कोटाम के बीच खेला गया, जिसमें विजेता पावर प्लांट गारू की टीम हुई। लातेहार से सीएनएन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, राम प्रवेश सिंह। ये आज जो प्रतियोगिता हम मैच रखे हैं, आने वाला टाइम में इसको धीरे धीरे बढ़ाकर महीनों दिन खिलाएंगे। फुटबॉल का होगा, बच्चे बच्चियों का, और जो हिंदुस्तान में जितना भी खेल होता है हम इस कोटाम के भर्ती से शुभारंभ करेंगे। और हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इतना खेल में लगन आइए कि एक नीरज चोपड़ा नहीं, 10 नीरज चोपड़ा बनिए और ओलंपिक से आप स्वर्ण पदक लेके आइए, और इसी में हम लोगों का खुशी रहेगा। और हम यही विशेष चाहते हैं। बस इन्हीं क्षण शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबों को जोहार। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।